होटल से चेकआउट करके आए सिबांग से। अभी एल नेडो की तरफ जा रहा हूँ। एक कार ड्राइव करीबन एक 4 से 5 घंटे का ड्राइव है। क्लाइमेट देखो कितना फास्ट चेंज हो जाता है। अभी इतना कड़क धूप था, अभी सडनली बारिश आ गया। तो फिलीपींस का यही खासियत है, यहाँ पर कभी भी बारिश होता है, कभी भी एकदम कड़क धूप निकलता है। तो अगर हम लोग धूप देख के हम लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन हो सकता है कि सडनली आपको बारिश मिल जाएगा। एक ऑन द वे एक रेस्टोरेंट दिखा, और रेस्टोरेंट देखिए खाने का सोचा तो ये खाना इधर है। जैसा मैं बताया यहाँ पर नॉन वेज ही मिलेगा आपको। वेज तो मतलब नहीं के बराबर नहीं है, मतलब वेज अगर है तो अपना बंदोबस्त करो, यहाँ पर आपको वेज मिलेगा ही नहीं। ये खाना है, और ये रेस्टोरेंट बहुत सही जगह पे है, जस्ट नेक्स्ट टू द एल नेडो। जो है ये एसी फेमस है, हर जगह पे आपको मतलब एसी मिलेगा, क्योंकि आइलैंड्स है वो काफ़ी। तो कल हम लोग आइलैंड हॉपिंग भी करने वाले, तो ये इसका नज़ारा है। दिस वाटर। अब यहाँ पर एक अलग यूनिक आइसक्रीम देगा, ये मक्के का जैसा शेप दिया हुआ है। एक्चुअली ये बाहर का जो है ये वैफल है, और उसके अंदर आइसक्रीम है वैसा। और देखा जाए अंदर आइसक्रीम है इसका, तो थोड़ा अलग सा है। टेस्ट ओके ओके, नॉट सो ग्रेट। आज का दिन पूरा ट्रैवल पे ही जाने वाला है, क्योंकि जैसा मतलब 5 घंटा लगने वाला है ये हम लोगों को एल नेडो पहुँचने के लिए। ये पूरा जर्नी जो है ऐसे ही रास्ता है पूरा ग्रीनरी का, पूरा कवर तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए ये पूरा रोड जो है ये पूरा ऐसे ही है पूरा ग्रीनरी। और ये रोड बहुत अच्छा है, सीमेंटेड है, तो रास्ते बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है एकदम, मतलब नहीं के बराबर है। यही ऐसा जर्नी है पूरा, ये रास्ता है पूरा। तो अभी फिर से शाम हो रही है, पता नहीं वहाँ पहुँचते पहुँचते डार्क हो जाएगा। तो अगर जल्दी पहुँच गया तो कुछ कवर करने वाले, कल का दिन बड़ा एक्साइटमेंट होने वाला है। तो अभी तक का अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए, और कमेंट देना मत भूलना, क्योंकि कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 45 मिनट्स दूर है, तो आप देख सकते हैं यहीं से शुरू हो गया सब। बोलता ना छोटे छोटे आइलैंड्स, ये इंडिविजुअल छोटे छोटे आइलैंड्स, इसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स है। तो हर एक आइलैंड में कुछ अलग यूनिकनेस है, मतलब लोग यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं हर एक आइलैंड पे एक होटल है, एक आइलैंड इज इक्वल टू 1 होटल। तो यहाँ पर एल नेडो में काफ़ी लोग आइलैंड हॉपिंग करता है। अभी यहाँ पर बीच में रास्ते पे रुका, सोचा चलो दिखा देता आपको। तो ये व्यू है, ये पूरा जगह का। यो कॉफी 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 कम बहुत है कपे नो हॉट वाटर No hot water. हम लोग जब भी हॉलीडे का सोचते हैं तो हमारा दिमाग में नॉर्मली थाईलैंड आ जाता है, बैंकॉक या फिर सिंगापुर आ जाता है। मैं बोलूँगा फिलीपींस भी एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल कंट्री है, तो ये एक्सप्लोर डेफिनेटली करना चाहिए। That one. Beauty cupcakes, salsa. Yeah. Yeah. Ito po yung dahil.
Just from here up to go walking. ये ऊपर है अभी जो हम लोग ने होटल बुक किया हो यहाँ से ऊपर चढ़ के सामने व्यूडेक होटल है। तो दोस्तों अब मैं पहुँचा हूँ एल नेडो और ये देख के हो मेरी तो होश उड़ गई। ये व्यू देख के ही है ना मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ। ये व्यू है और ये सामने देखो ये समुंदर आइलैंड्स है तीन चार आइलैंड्स यहीं से दिख रहा है मुझे तो फैंटास्टिक व्यू। तो यहाँ आने का बोलते ना यही कारण था कि यहाँ का जो लोग जो बोलते थे कि एल नेडो मतलब अगर फिलीपींस में आते हो तो एल नेडो में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर फिलिपिन टूर। तो अभी तो शाम हो रहा है करीब 6 बज गया अभी तो कल हम लोग आइलैंड हॉपिंग करने वाले। यहाँ पर अभी मैं जैसा लोग से गाइड से बात कर रहा था तो ये लोग बता रहा था कि यहाँ पर ट्राईसाइकिल लेने से अच्छा आप स्कूटर ले लो पूरा दिन के लिए तो विच इज़ कॉस्टिंग 500 पेसोस फॉर द डे। तो अगर आप स्कूटर लेते हो अगर दो जन है आप तो 500 पेसो बोले तो 250 रुपया एक आदमी के पीछे लग जाता है। 250 बोले तो इंडियन कितना हो गया एक 320-350 के आसपास इंडियन रुपी में हो गया पूरा दिन के लिए। डेफिनेटली पेट्रोल हम लोग को डालना पड़ेगा लेकिन मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट अगर पेट्रोल लेना। तो कल हम लोग आइलैंड हॉपिंग जा रहे हैं एक टूर लिया हुआ है द टूर इज़ कॉस्टिंग 1200 रुपीज़ टूर का कॉस्ट है विच इंक्लूड्स लंच और उसके बाद ये लोग का यहाँ पर एनवायरमेंट फ़ी करके है वो 200 रुपया है और एक कोई टैक्स है 200 रुपया तो टोटल 1600 रुपया पड़ता है विच इंक्लूड्स योर टूर। अच्छा सा रूम है ये इसमें टीवी है एसी है और ये बेडरूम है कॉफ़ी भी वो लोग साथ में देते और ये डिसेंट सा बाथरूम भी है हॉट वाटर भी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डील है हम लोग को मिला। तो अभी बेटा स्ट्रीट पे आया हुआ है ये अभी तो 7 बज रहा है अभी शायद मतलब थोड़ा जल्दी हूँ मैं शायद 8 बजे के बाद ज़्यादा क्राउड आएगा। तो ये सरना स्ट्रीट है तो मैं आप देख लो ये सरना स्ट्रीट कैसा है ये थोड़ा यहाँ पर काफ़ी फॉरनर्स लोग यहाँ पर आते ये नॉर्मली आप बोल सकते हैं फूडी स्ट्रीट है। यहाँ पर काफ़ी फूड जॉइंट्स हैं यहाँ पर कुछ लोकल शॉप्स भी हैं यहाँ पर अगर किसी को मसाज करना है तो मसाज भी कर सकता है। हेलो हाउ मच इज फॉर द मसाज हाउ मच सो दे कैन कम एंड हां न कहां तो लगा अभी जू लाइक बाय ब्लैक थैंक यू ऑर्गेनिक स्पा या ऑर्गेनिक स्पा थैंक यू। तो ये रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ पर काफ़ी हैपनिंग प्लेसेस है यहाँ पर हैप्पी आवर ओके। तो यहाँ पर शोरमा मिलता है आप रेट देख सकते हैं शोरमा का 60 पैसों से लेके 150 पैसों तक है शोरमा राइस 80 से लेके 150। तो आप रेट सकते हैं बाय वन गेट वन फ्री इट्स हैप्पी आवर नाउ टिल व्हाट टाइम हाँ अप्टिल 10 PM हैप्पी आवर्स सो लॉट ऑफ पीपल कम आफ्टर 10 ईयर आफ्टर 10 देयर इज लॉट ऑफ क्राउड ओके 10 बजे के बाद यहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है अभी तो सिर्फ 7 बजे
ये नॉर्मली यहाँ पर अगर आप देखो रेट देखा जाए यहाँ पर ना 3-5% का नॉर्मली रेट्स होता है। अच्छा अगर एक अगर आप आओगे तो ये कॉम्बो में ही देते हैं लोग, मतलब 3 या 5 लोगों के लिए एक साथ आप डिश मंगा सकते हो। यहाँ पर इंडिविजुअल डिशेस का बहुत कम मिलता है, जैसा अभी ये 3 लोगों के लिए है, ये 4 लोगों के लिए, ये 5 लोगों के लिए, 7 लोगों के लिए, तो काफ़ी ये अच्छा रहता है क्योंकि आपको सब वैरायटी आपको सेलेक्ट करने मिलता है, प्लस आपको रेट में भी फर्क पड़ता है कि अभी 3 लोगों के 1650 बोलो तो एक करीबन 550 रुपया पर पर्सन हो गया, तो जो इंडियन में आपको 800-850 रुपये पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेश फिश से ही बनाते हैं लोग, फ्रेश फिश है, इधर प्रॉन्स है। आपको लॉबस्टर्स लेना तो लॉबस्टर्स भी ले सकते हैं, क्रैम्स यहाँ पर ही, ये क्रैम्स बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ दिस इज अवेलेबल है ना, दिस इज दिस ऑल्सो लोकल ना, लॉट ऑफ हाँ ओके। तो ये क्रैब्स है, थैंक यू मैम। आप ये सॉरी ये आपका फेरी है, कल हम लोग ले रहे हैं एक, तो हम लोग कल का ले रहा है 1200, मतलब टोटल 1600 पड़ रहा है, उसमें लंच भी इंक्लूडेड है। तो ये टैरिफ है, दिस 2A 1400 इंक्लूड ऑल टैक्स, एनवायरमेंट टैक्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड। Only the 200 is for the big lagoon, sir. No, total will be how much? 1,600. Which includes lunch? Yes, sir. Okay, lunch and others, some soft drinks, beer, anything is also given? Only lunch and drinking water. If you want drinking some soft water. Drinks and beer, you can buy that. Okay, from here. Yes, okay, sir. And how many hour tour is this? Sir? From what time to what time? Our total is 8:40 in the morning, but the boat leaves around 9 in the beachfront. And then it would come up between 4 to 5 the afternoon. 4 to 5 in the afternoon. Yes, sir. Okay. So these are different tours, A tour, B tour. I hope I don't mind taking a video. Yeah. So this A tour, B tour, C tour is a different tour. Yes. Which is the best tour in this? Sir, A and C is the best tour. That's the most popular one. Okay. For everything the rate is same? Yes. The rates are same for all the tour? Yes. Okay. So what are the activity in tour A? Tour A, what are the activities? You can do kayaking there in the lagoon, and then there is a snorkeling area where you can do snorkeling. Okay. There's no scuba diving here? No scuba diving. Yeah. Where is scuba diving? You can book for that one. We have it here. Uh-huh. For a certified diver, that's 5,000, sir. And then for an uncertified, that's 5,500. No, we do. I don't know how to do scuba diving. So what will be? This one, sir. This covers scuba diving. 5,500. It yes, it covers the instructor also. Yes. Includes the instructor and also the snacks. Snacks also. Yes. So this is from what time to what time? How many hours? You can do it from 8 in the morning or 8:30 in the morning until 12. So about 3 to 4 hours. Yes. Okay. So 5,500 pesos. Yes. If you have your environmental tax, this one. If you don't have the environmental tax, we will top up 200 pesos more for the environmental tax. But this one is valid for 10 days. Sir. Yeah. So if I take this. Yes. You don't need to pay for this one. No. Then I don't have to. For then, it, how much it will be? 5,500. Otherwise, it's plus 200. If I have not taken this tour, then 200 plus. Yes, sir. Okay. Thank you. I'll come tomorrow. I just come. Yeah. Okay. Thank you. ये नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स है। यहाँ पर सोविनियर अगर लेना है तो यहाँ से सोविनियर भी ले सकते हैं, अलग अलग सोविनियर से। ये पलावन एरिया है, ये एल नेडो है, तो पलावन एल नेडो का नॉर्मली लोग लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको फुल बॉडी मसाज करना है तो ये रेट्स है, यहाँ पर 700 पीसोस, 500 से लेके 1,000 पीसो तक है। तो आप 1.5 कर सकते हैं, अगर 700 बोलेगा तो
करीबन 1050 के पास आपका थाई मसाज जो है आपको 1050 में पड़ेगा। फिलिपिनो जो है शायद 1100 या 150 तक पड़ेगा। अगर किसी को आना है तो ये मसाज ही है। ये व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड रिसाल स्ट्रीट, ओके। तो डॉक्टर रिजाल जो है बहुत फेमस है, उसी के नाम से स्ट्रीट है ये। नेक्स्ट टू मिड टाउन बेकरी के बाजू में है। तो लोग से बात करने से तो अच्छा लगा कि ये लोग वेल क्वालिफाइड मसाजेस है। तो ये दिस इज ये जो है आपका बैंकॉक जैसा मतलब सब ऐसा देगा। फिलिपिनो ये भी बोल रहे कि फिलिपिनो मसाज भी अच्छा है। दिस इज विद ऑयल, दिस इज विद ऑयल। So this is with all the sunburn treatment. If you have sunburn, we are using fresh aloe vera, and we're just using this. Oh, I know this aloe vera. Yeah. This is the treatment sunburn. Yeah. Live music. Agar chahiye to live. आपका सुपर मार्केट है, तो अगर आप यहाँ पर अगर तुम जो रूम में ही बना के कुछ खाने का सोच रहे या यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट स्टोर से लेना है तो आप ये चेकिंग करके आते हो, या अगर सिंगल हो तो आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं। सिंगल रूम 1150 पेसोस, ट्विन रूम 1250 पेसोस, और सूट जो है वो 1500 पेसोस। एयर कंडीशन के साथ है, प्राइवेट बाथ, हॉट एंड शावर सब कुछ है इसमें, सब में एयर कंडीशन है। डिनर के लिए भी आया है इधर, तो ये 950 पेसोस में 4 से 6 लोगों के लिए खाना अच्छा हो जाए, अच्छा मिलता है। ये आपको फूड मिलता है 950 में 4 से 6 लोगों के लिए, अच्छा है ये फूड, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है ज़्यादा। और आपको अगर इंडिविजुअल चाहिए तो इंडिविजुअल भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और जूसेस चाहिए तो जूसेस का भी रेट चाहिए। का दिन काफ़ी हेक्टिक था, आज वो अंडर वाटर केव्स गए, फिर वहाँ से फिर 5-6 घंटे का जर्नी करके एलनेडो में आया। एलनेडो में थोड़ा मार्केट घुमा, मार्केट का थोड़ा वीडियो कैप्चर किया, रात को डिनर किया, और काफ़ी थक गया, आँख भी नहीं खुल रहा है मेरा, अभी फ्रेश हो गया तो अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बोला वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ मैं, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपको। तो अगर आपको अभी तक का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना ही मेरा ब्लड लाइन है। और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाला वीडियोज़ भी आपको मिले। तो ये मेरा फिलीपींस सीरीज़ का ब्लॉग है। कल अभी हम लोग आइलैंड हॉपिंग करने वाले हैं, वो अगले वीडियो में आपको दिखेगा। एलनेडो में आइलैंड हॉपिंग होगा, मतलब एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड बोट से जाना पड़ता है। तो एक पैकेज लिया है, तो पैकेज के थ्रू यहाँ पे घूमने वाला हूँ मैं। यहाँ पर खाने का, जैसा मैंने आपको बताया, खाने का फूड का मेरे को अच्छा लगा सिस्टम,
यहाँ पर आपको ऐसा एक बड़ा डिश मिल जाता है जो बोलते ना 4 से 6 लोगों के लिए इनफ हो जाता है। और मैंने हम लोग ने अभी लिया 4 दिन का लिया 1350 में, मतलब 4 आदमी खा सकते थे, हम लोग 2 ही आदमी थे तो 4 या 6 खा सकते हैं उसमें, मतलब उतना था क्वांटिटी। तभी हम लोग 2 ही थे तो फिर वो ले लिया 950 पेसेस, बोले तो इंडिया का कम से कम एक मेरे को लगता है 1300-1400 रुपये के आसपास इसका डिश का कॉस्ट था। उसमें सब वैरायटी मिला, राइस था, नूडल्स था, चिकन था, बारबेक्यू चिकन था, फ्राइड चिकन था, उसके बाद मटन भी था, तो और साथ में एग भी था एक वो लिया। फिर बाद में एक वाटरमेलन जूस भी लिया, वाटरमेलन जूस जो है फ्रेश वाटरमेलन जूस फुल ग्लास का, मतलब बड़ा ग्लास का 120 पेसोस में, तो 120 पेसोस में फुल ग्लास मिला, तो इंडिया में करीब 160-170 के आसपास इसका कॉस्ट होगा। तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, गुड नाइट।